सो आप अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं और आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। आपने एक बार ट्राई किया उस बार भी हो गया था, दूसरी बार ट्राई किया तब भी हो गया, तीसरी बार ट्राई किया तब भी हो सकता है या हो गया होगा। तो आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिस कारण से आपका जो क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन है रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, और क्या जो आपने एप्लीकेशन फाइल की है उसी एप्लीकेशन को अप्रूव कराया जा सकता है, इट इज़ पॉसिबल? तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो आपसे भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड को आप जो है अमेजोन पे एप्लीकेशन के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं, इतना तो आप सभी जानते ही होंगे। और अगर कोई इसका तरीका नहीं है जिसकी हेल्प से आप अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर पा रहे होंगे, क्योंकि जब आपको अमेजोन खुद ये परमिशन देता है, अलाउड करता है कि आप अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लो, तभी आप अप्लाई कर पाते हैं। तो यहां तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं कि आपको वहां पर ऑप्शन दिख गया और आपने अप्लाई कर लिया, लेकिन हो सकता है कि आपका सिबिल वगैरह अभी तक जनरेट ही ना हुआ हो, आप फ्रेशर वगैरह हो, आपके पास में कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपके पास में कोई भी लोन एक्टिवेट नहीं है और आपका सिबिल नहीं बना है। तो आप इस केस में अप्लाई करोगे तो 100% आपका जो क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन ही होगा, रिजेक्ट ही होगा। तो ये तो हो गया पहली कैटेगरी वाले, लेकिन अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी वालों की, यानी जिनका सिबिल जनरेट हो चुका है, अच्छा खासा सिबिल भी है, फिर भी उन्होंने अप्लाई किया, वीडियो केवाईसी वगैरह भी हो गया, तब भी उनका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट कर दिया गया। और क्या जो हमने एप्लीकेशन फाइल किया जो डिक्लाइन हो गया उसे हम अप्रूव करवा सकते हैं? द आंसर इज यस, आप उसे भी अप्रूव करवा सकते हो। कैसे, चलिए इस वीडियो में आप जान लेते हैं। नंबर वन, जब आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था उस टाइम आपका क्रेडिट स्कोर कितना था और अभी आपका क्रेडिट स्कोर कितना है? पहले के मुकाबले आपका जो क्रेडिट स्कोर है अच्छा होना चाहिए, डाउन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो गया है तो अप्रूव बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन डिक्लाइन ही होता रहेगा। तो सेकंड मेथड यूज करने से पहले आपका जो सिबिल है 750 प्लस होना चाहिए, 800 या इससे अधिक होता तो और भी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन 750 से ज्यादा ही होना चाहिए। और आपकी कोई भी पास्ट पेमेंट जो है ड्यू नहीं होना चाहिए, चाहे क्रेडिट कार्ड का हो चाहे किसी भी लोन का हो, उसकी आपने टाइमली रिपेमेंट कर रखी हो, तभी आपका जो क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन है अप्रूव होगा। अब बात करते हैं कि आपका ये दोनों ही चीजें सही है लेकिन फिर भी आपने अप्लाई किया और आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, तो इसमें क्या किया जा सकता है? तो इस स्थिति में आप जो है एक बार कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं आखिर किस रीजन से मेरे इस क्रेडिट कार्ड का जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता उनकी तरफ से आपको कोई सेटिस्फाइड करने वाला रीजन बताया जाएगा, वो जो भी आपको रीजन बताएंगे श्योरिटी उसमें कुछ भी नहीं होगी। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने जो है आईसीआईसी बैंक को एक मेल करना है। मेल में आप सिबिल का रिपोर्ट अटैच कर सकते हो और उनको सबमिट कर सकते हो, इनकम डॉक्यूमेंट्स अगर आपने कोई दिया होगा तो इनकम डॉक्यूमेंट्स भी आप दे सकते हो। हाँ, एक कंडीशन में आपको बताना भूल गया था कि अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड का जो अप्रूवल है जो भी सैलरीड पर्सन है उनको बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि इतना तो आप सभी जानते होंगे कि सैलरीड पर्सन की एक फिक्स इनकम आती है और सेल्फ एम्प्लॉयड की जो है कोई फिक्स इनकम नहीं होती है। तो इस कंडीशन में सेल्फ एम्प्लॉयड के मुकाबले जो है सैलरीड पर्सन के जल्दी और ज्यादा अप्रूवल मिलते हैं। तो सैलरी पर्सन हो तो मेरे ख्याल से तो आपको अप्रूवल मिल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से डिक्लाइन वगैरह हो गया तो भी आप जो है इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल ले सकते हैं। मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि आपने जो है अपने इनकम डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आईटीआर फाइल करते हो तो आईटीआर दे दीजिएगा, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सैलरीड पर्सन है तो एक सैलरी स्लिप आप जरूर से अटैच कर दीजिएगा, और साथ ही अपने सिबिल का रिपोर्ट भी उनके साथ में अटैच कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये पता लग सके कि आपका जो सिबिल है एक्चुअल में क्या है। तो इस प्रोसेस में हो सकता है बैंक आपकी जो सिबिल है दोबारा से चेक करे और आपका जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन होगा तो उसको अप्रूव कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे यूजर्स का जो क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल है वो मिल चुका है, जिनका डिक्लाइन हुआ था उनको दोबारा से ये मिल चुका है। हाँ, जब आपको ये डिक्लाइन का मैसेज आता है उसमें बताया जाता है कि आप जो है अगेन 6 महीने बाद ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आईसीआईसी बैंक के जो क्रेडिट कार्ड है वो 6 महीने के बाद ही आप अप्लाई कर पाते हैं। तो जो भी मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई है उसमें अगर आप आते हैं तो आप दोबारा से उसी एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि मैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हूँ, जो भी इसके टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंडर में आता हूँ, तो आप इसको जो है एक बार से दोबारा से रीवेरीफाई कीजिए और मेरे इस क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल दीजिए, इस तरह का आपने मेल कर देना है। मेल आईडी की बात करें तो मैं यहां पर आपको बता दूं, आपने जो है customer.care@icicbank.com पे आपने ये सारी मेल सबमिट करनी है, ये मेल एड्रेस आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएगा।
तो जिन लोगों ने इस मेथड को यूज किया है, जिनका अप्रूवल मिल चुका है, तो हमें कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। और जिनका भी सिबिल अच्छा है, इनकम डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, फिर भी उनको अप्रूवल नहीं मिला, तो इस ट्रिक को अप्लाई करें, उनको जो है क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल डेफिनेटली मिल जाएगा। सो यही एक इन्फॉर्मेशन था जो कि मुझे आपके साथ में शेयर करना था, क्योंकि अभी जो है ICICI बैंक अमेजोन पे के क्रेडिट कार्ड जो है बहुत ही ज्यादा अप्लाई हो रहे हैं, और कुछ रीजन के कारण जो मैंने आपको बता दिए हैं, जिस कारण से एप्लीकेशन डिक्लाइन हो रहे हैं। तो अगर आपका सब कुछ सही है फिर भी डिक्लाइन हो गया, तो इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। सो उम्मीद करता हूँ आज के इस इन्फॉर्मेशन से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली जो इंस्टा पर DM कर सकते हैं, विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक्स। मैं मिलता हूँ कुछ और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।